दोस्तों, मैं खालिद सरहदी अपना शहर YouTube चैनल में आज आपके सामने मालेगांव शहर के मशहूर मारूफ सोशल वर्कर सामाजिक खिदमतगार फैयाज अफसर साहब से मुलाकात करवाना चाहता हूं और हम इनसे जानना चाहते हैं कि मुल्कों की गुजरात रियासत की एक लड़की, एक खातून जो शादीशुदा थी आयशा आरिफ खान के मुतालिक हम इनसे जानना चाहते हैं कि इन्होंने जो काम किया, जो कदम उठाया, इसके बाद क्या क्या मसाइल पैदा हुए, ये हम जानना चाहते हैं। तो फैयाज अफसर साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया खालिद भाई। पहले तो मैं आयशा के गम में खिदमत खल ग्रुप की जानिब से ये सिरात अकीदत पेश करूँगा कि हम लोग बराबर के शरीक है। ये कदम जो है खुदकशी का इस्लाम में हराम करार दिया गया है। लोगों ने उसकी वीडियो बनाई हमदर्दी जताने के लिए, हमदर्दी हासिल करने के लिए या सवाब की नीयत से, जो भी तरीके से लोगों ने वीडियो बनाकर व्हाट्सएप, फेसबुक, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पर शेयर किया, ये अच्छे नियत करके किए। लेकिन उससे हुआ क्या खालिद भाई, कि लोगों को एक आइडिया मिल गई खुदकशी करने के लिए। तो मैं सिर्फ इस मामले में इतना ही कहूँगा कि ऐसा कोई मामला रहे जिसकी ऐसी कोई वीडियो रहे तो उसको शेयर ना करें। शेयर करने से क्या होता है कि खुदकशी करने वालों को बढ़ावा देना हो जाता है। अगर वो खुदकशी कर रहा है तो ये समझ लो कि आप जो शेयर किया हो उसके गुनाह में आप बराबर के शरीक हो। और दूसरा ये कि ऐसा सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ये भी देखने में आता है कि कहीं हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है, कुछ सोचते नहीं, कुछ समझते नहीं, उसका वीडियो बनाते हैं और व्हाट्सएप वगैरह पे, फेसबुक वगैरह पे सब जगह शेयर करना चालू कर देते हैं। जबकि सरकार ने ये चीज़ की मंजूरी दी है कि अगर ऑन द स्पॉट कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो फौरी तौर से उसकी मदद के लिए एम्बुलेंस बुलाए या उसको खुद दवाखाना लेकर जाए। इंक्वायरियाँ तो बाद में होते रहती हैं, लेकिन वो छोड़कर आज जो ये माहौल बना है वो वीडियो बनाने का, इसकी अपील मैं खास तौर से करता हूँ कि यार ये काम बंद कर दे। ये काम बंद करके उसके लिए कुछ ऐसा रास्ता निकाले कि अगर कोई ऐसा वीडियो वायरल करता है तो सरकार उसको कुछ सज़ा दे, ताकि लोग जो है तो लोग जिनका हादसा होता है वो बेचारे अपने आप में परेशान रहते हैं। लोग आते हैं मोबाइल निकाल कर उनका फ़ोटो खींचते हैं और लोगों को शेयर करते हैं, लोगों को बताते हैं यहाँ ये हो गया, वहाँ हो गया। अरे वो लोग को बताकर तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। जिसके साथ हुआ उसके साथ कुछ हमदर्दी जताओ तो तुमको कुछ मिलेगा। जो असल है वो छोड़कर लायानी पे चले जाते। तो मैं आयशा की जो बात असल थी उसके लिए आप लोग दुआ करें कि आइंदा कोई बेटी ऐसा कदम ना उठाए। मेरी ये अपील है आप लोगों से, अगर आप लोग कुछ उसके लिए नहीं कर पाए तो आगे कोई ना करे, इसके लिए तो कुछ करिए। आप लगे तो इसके लिए दवाई मजलिस रखिए या इसके लिए कोई अच्छा प्रोग्राम रख कर इसके कोई हल बताइए। उलमाओं को कहो तो उलमाए कराम जो है आज सरपरस्तों के ऊपर छोड़ देते हैं। सरपरस्तों को कहो तो सरपरस्त तो कहते हैं कि यार हमारे जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, हर कोई अपने काम में मसरूफ़ है, कितना ध्यान देंगे। तो ये सब नहीं होना चाहिए। मेरा खाली बोलना ये है कि जो सोशल मीडिया पे वीडियो वगैरह इन्हें शेयर करते हैं वो ना करें। इस तरीके से खुदकशी जैसे संगीन जुर्म को बढ़ावा देने का काम ना करें, इसकी मैं अपील करने के लिए खालिद भाई आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने चैनल के माध्यम से जो है तो इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि लोग इस चीज़ से रुके रहें। बस अपनी बात मैं ये कहकर ख़त्म करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फैयाज अफसर साहब, हमारे चैनल के ज़रिए आपने एक बहुत बड़ी बात कही इंशाअल्लाह अज़ीज़। और दोस्तों, मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे फैयाज साहब ने जो बताया, वाकई उन्होंने एक इंतहाई अच्छी बात कही है, तो इनकी बात पर कुछ अमल करने की कोशिश करें तो बेहतर होगा।